मैं राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय यानी राजुवास हूँ। श्री करणी माता और कपिल मुनि की पुण्य भूमि दोनारी धरती बीकानेर में आज से एक दशक पहले मेरा उद्भव हुआ था। मैं देश के सबसे बड़े राज्य राजस्थान में समृद्ध पशुपालन के तकनीकी विकास और प्रगति में मार्गदर्शन की जिम्मेदारी और पशु संपदा के गुणात्मक विकास में भागीदारी के साथ साथ राज्य, राष्ट्र और विश्व में पशुपालन के क्षेत्र में अग्रगण्य संस्थाओं के साथ समन्वय में रहने के लिए हमेशा संकल्पबद्ध हूँ। मेरे तीनों संगठक महाविद्यालय राज्य के तीन अलग अलग संभागों बीकानेर, उदयपुर और जयपुर में स्थित होकर पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान की गुणवत्ता परक शिक्षा प्रदान करने हेतु विख्यात और नवीन उपकरणों और आधुनिक कैंपस सुविधाओं से सज्जित भारतीय पशु चिकित्सा काउंसिल द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान हैं। अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि मैं मूक पशुओं की समस्याओं का कैसे निदान करता हूँ। मैं अत्याधुनिक उपकरणों से सुसज्जित हूँ और सिटी स्कैन, ऊंटों के जबड़ों के फ्रैक्चर की इंटरडेंटल वायरिंग तकनीक और कई जटिल ऑपरेशन करने में भी सक्षम हूँ। ऊंटों की शल्य चिकित्सा और रेडियो इमेजिंग में मैं विश्व विख्यात हूँ। 2400 घंटे सातों दिन पशु चिकित्सा सेवा उपलब्ध है। कई बार मूक पशु प्लास्टिक की थैलियां, धातु की वस्तुएं, सिक्के इत्यादि खा लेते हैं जो कि उनके स्वास्थ्य के लिए घातक होते हैं, तो हमारी कुशल चिकित्सकों की टीम पशुओं का ऑपरेशन कर उन्हें राहत देती है। पशु अंधता के निवारण हेतु मोतियाबिंद का ऑपरेशन भी किया जाता है। मेरे कैंपस में औषधीय पौधों को उगाकर उनके विभिन्न अर्क बनाकर पशु चिकित्सा में सफल हर्बल औषधि पाउडर और मरहम तैयार किए जाते हैं। किसी भी बीमारी के उपचार के लिए सटीक निदान होना जरूरी होता है, तो पशु रोगों के निदान हेतु अत्याधुनिक उपकरण उपलब्ध हैं, जैसे रियल टाइम पीसीआर, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी, माल डिटॉफ मास स्पेक्ट्रोमेट्री, एचपीएलसी। हाल ही में विश्वविद्यालय के एपेक्स सेंटर के वैज्ञानिकों द्वारा सांभर झील में पक्षियों की महामारी का सबसे पहले और सटीक निदान किया गया था। विश्वविद्यालय के जयपुर कैंपस PGIVER में राज्य की अत्याधुनिक मिल्क टेस्टिंग दूध परीक्षण प्रयोगशाला है। इसके द्वारा मिलावटी दूध परीक्षण किट विकसित की गई है। दूध में कीटनाशकों और एंटीबायोटिक अवशेषों का निर्धारण कर भारतीय खाद्य मानक FSSAI पर दूध के खड़े होने की जानकारी इस प्रयोगशाला से पशुपालकों को उपलब्ध कराई जाती है। शुष्क जलवायु प्रदेश में हरे चारे की उपलब्धता बढ़ाने की तकनीकों का प्रदर्शन और प्रशिक्षण विश्वविद्यालय के पशु पोषण विभाग के माध्यम से किया जा रहा है। हाइड्रोपोनिक्स द्वारा हरे चारे के उत्पादन, उच्च प्रोटीन अजोला के उत्पादन और साइलेज निर्माण द्वारा चारा संरक्षण तकनीक के प्रदर्शन और प्रशिक्षण को प्रदेश के पशुपालकों द्वारा खूब पसंद किया जा रहा है। पशुधन अनुसंधान केंद्र बीछवाल में स्थापित कैटल फीड प्लांट से सस्ती दर पर पशुपालकों को डेयरी पशुओं के लिए संतुलित पशु आहार और खनिज लवण मिश्रण उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके साथ यूरिया मोलेसिस उपचारित फीड ब्रिक का निर्माण एवं उत्पादन दर पर पशुपालकों को वितरण करके पशुओं में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने का प्रदर्शन और मार्गदर्शन किया जा रहा है। देसी गौ पालन और जैविक पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए पशु अनुसंधान केंद्रों में थारपारकर, साहिवाल, कांकरेज, गिर, राठी, मालवी देसी नस्लों का संवर्धन और संरक्षण किया जा रहा है। थारपारकर नस्ल में भ्रूण प्रत्यारोपण तकनीक का विकास करते हुए गौवत्स उत्पादन लिया गया है। देसी गौवंश से अभिष्ट उत्पादन लेते हुए जैविक दूध उत्पादन और पनीर, दही, प्रोबायोटिक दही, श्रीखंड आदि जैविक दुग्ध उत्पादों का निर्माण एवं विपणन किया जा रहा है। ऑर्गेनिक पोल्ट्री उत्पाद की संकल्पना को लेकर जैविक कुक्कुट पालन से जैविक अंडों और ब्रॉयलर उत्पादन के प्रदर्शन हेतु मॉडल कुक्कुट शाला भी संचालित है।
विश्वविद्यालय के तीनों संगठक महाविद्यालयों में मॉडल लाइव स्टॉक फार्म संकुल के माध्यम से जैविक खाद, वर्मी कंपोस्ट, बायोगैस प्लांट जैसी उन्नत तकनीकों का फार्म पर प्रदर्शन करते हुए राजस्थान के पशुपालकों में पशुपालन की कल्याणकारी तकनीकों का प्रचार और प्रसार किया जा रहा है। इस उच्च स्तरीय अध्यापन के साथ साथ मैं अपने विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए भी उत्तरदायी हूँ। अब मैं यानी राजू वास अपने शैशव काल से निकलकर यौवन काल की तरफ अग्रसर हो रहा हूँ। मैं आप सभी को ये विश्वास दिलाता हूँ कि अपनी संपूर्ण शक्ति एवं ऊर्जा से राज्य के पशुपालकों हितार्थ, पशु स्वास्थ्य, पशु कल्याण, खाद्य सुरक्षा एवं स्वस्थ वातावरण हेतु प्रतिबद्ध रहूंगा। देश ही नहीं वरन विदेशों में भी पताका फहराने के लिए संकल्पित रहूंगा। मैं राजू वास अब तक के सफर में आपका आभारी हूं और भविष्य में इसी विश्वास की आशा करता हूं। जय भारत, जय राजू वास।